नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल से भारत के सबसे बड़े सिकल सेल अभियान की शुरुआत की, साथ ही गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी शिरकत की। रानी दुर्गावती की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गौरव यात्रा शुरू की गई थी। पीएम मोदी ने रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही 3,57,00,000 लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सिकल सेल की रोकथाम को जरूरी बताया और इसके लिए परामर्श केंद्र और दूसरी व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया। वहीं सीएम शिवराज ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की, साथ ही कांग्रेस को जमकर घेरा भी। वहीं पीएम मोदी ने सिकल सेल को अनुवांशिक बीमारी बताते हुए इसके खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। साथ ही पीएम ने विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को ये 70 साल तक पैरों पर खड़ा नहीं कर पाए, इनकी गारंटी में खोट है, लिहाजा जनता से सतर्क रहने की अपील की। पीएम के इस कार्यक्रम को देश के 278 जिलों में वर्चुअली देखा गया। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5,00,000 रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5,00,000 रुपये की गारंटी का कार्ड देता है। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को बांप लीजिए। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कार्ड नहीं है ये, 5,00,000 रुपए तक की साल भर में इलाज की पक्की गारंटी है आयुष्मान कार्ड। ये जिंदगी बदलने का अभियान है प्रधानमंत्री जी का। 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनने जल जीवन मिशन का पैसा मोदी जी ने पानी के लिए दिया, लेकिन जल जीवन मिशन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया। अरे और तो और, प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा जाओ गरीबों के घर बनाओ, लेकिन पता नहीं क्या तकलीफ थी कांग्रेस और कमलनाथ जी को, 2,00,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास वापिस कर दिए, बोले हमें नहीं चाहिए। तो इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी पकरिया गांव पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने जनजाति समूहों से चर्चा की, लखपति बहनों से सीधा संवाद किया। पीएम ने मधुमक्खी पालन का मंत्र भी दिया। यहां उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद भी उठाया। इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद पीएम हेलीपैड पहुंचे और यहां से जबलपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। पहचान गए हैं? बड़ी हो जाएगी। हैं, वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली हैं? चलना है ना, चलो। पहचान गए हैं? बड़ी हो जाएगी। हैं, वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। अच्छा बताइए कौन बोलेगा? लखपति दीदी में से है? आप बोल रहे हैं कि पहले आप बोलेंगे? कौन बोलेगा? आप शुरू कीजिए। हाँ, क्या शुभ नाम है? महोदय जी सादर प्रणाम, मेरा नाम फूलवती सिंह, मेरे समूह का नाम कावेरी स्व सहायता समूह है, मैं अपने समूह में सचिव पद पर हूँ। कितने महिलाएं हैं आपके समूह में? मेरे समूह में 12 महिलाएं हैं। 12 जी, और मेरे गाँव में 32 समूह हैं। अच्छा संकुल स्तरीय संगठन।
तो बताइए आपका समूह क्या करता है और कब से शुरू हुआ? 2012 से शुरू हुआ है और मेरे समूह में सब व्यक्तिगत काम करते हैं, व्यक्तिगत गतिविधि कर रहे हैं। कोई किराना का दुकान कर रहे हैं, कोई सब्जी उत्पादन। तो पीएम मोदी पकरिया गांव से लालपुर पहुंचे हैं, लालपुर हेलीपैड से जबलपुर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। जबलपुर से पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पहले शेड्यूल में कार्यक्रम हुआ सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए देश का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम था। उसके बाद पकरिया में खाट पंचायत लगी। अब पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। चलिए और क्या कुछ खास रहा है इस कार्यक्रम के दौरान वो हम जान लेते हैं। सीधे हम शेड्यूल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ सीधे शेड्यूल से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पीएम मोदी का ये दौरा काफी मायनों में खास रहा है, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए देश के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत हो या खाट पंचायत के दौरान आम लोगों से पीएम मोदी मुखातिब हुए, सीधा संवाद किया। राजनीति के लिहाज से बात करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। शैलेंद्र, देखिए सुमित, सबसे पहले तो आपको ताजा अपडेट दे दूं कि पीएम का जो हेलीकॉप्टर है लालपुर हेलीपैड से उड़ चुका है, वे जबलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी अभी हमारे सामने ही उनका हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भर चुका है। तो पीएम मोदी अब शेड्यूल से रवाना हो गए हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या, सिकल सेल जो एनीमिया उन मिशन की आज शुरुआत हुई है, उस समय पीएम मोदी एक अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने आज एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर करारा हमला बोला। उन्होंने आज विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलते हुए साफ साफ कहा कि ये जितने भी विपक्षी दल हैं सब भ्रष्टाचार की गारंटी है। तो पीएम मोदी काफ़ी आक्रामक रहे। उसके बाद उनका दूसरा रूप जब ये देखने में आया जब वो पकरिया गांव गए, तो पकरिया गांव में जब पीएम गए तो वहां पर वो बिल्कुल ही जितने भी आदिवासी वर्ग के लोग थे, जो अलग अलग स्व सहायता समूह थे, जो यहां पर जो छोटे लोकल ग्राउंड लेवल पर फुटबॉल खेलते हैं और छोटे खिलाड़ी हैं, उन लोगों के बीच बैठे, उन लोगों से बात की, फुटबॉल को लेकर बात की, इसी तरह स्व सहायता समूह के महिलाओं से रोजगार को लेकर वो कितना कमाते हैं और उन्हें मधुमक्खी पालन कैसे करना चाहिए, इस तरह के टिप्स भी दिए। तो पीएम ने यहाँ पर पहले सिकल सेल जो उन्मूलन मिशन था उसकी शुरुआत के लिए 1 घंटा करीब दिया। उसके बाद 1.5 घंटा वो बिल्कुल खाट, उन्होंने चौपाल लगाई खाट पर बैठ कर, बिल्कुल पारंपरिक जो आदिवासी यहाँ पर इसी तरह के परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो यहाँ पर जो बेगा सहरिया या इस तरह के जो आदिवासी हैं जो बहुत ही पिछड़ी जनजाति मानी जाती, उन लोगों के बीच जाकर पीएम ने काफ़ी समय दिया, उन लोगों को समझा, सबसे अलग अलग बात की। तो हमने जब इन कई लोगों से अलग बात की तो इन्होंने भी कहा कि मतलब पीएम मोदी को अपने बीच पाकर वे बहुत ही गदगद थे और उन लोगों में भी एक अलग ही हौसला देखने को मिला कि पीएम आकर उन्हें इस तरह उनके बीच हैं, उनके बीच खाट पर चौपाल पर बैठ रहे हैं, उन्हें समझाइश दे रहे हैं। तो पीएम यहाँ पर दो अलग अलग रुख रहा। उसके आप एक और महत्वपूर्ण बात कि इस साल अगले 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो ये देखने में आया कि आज पीएम ने एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर जोर दिया। वो पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, उन्होंने संकेत दिया कि जहां भी भाजपा की सरकार रही है वहां भ्रष्टाचार नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद गारंटी देते हैं कि मतलब जहाँ भी कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, और ये लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, विपक्ष पर करारे हमले बोले। इसके अलावा पीएम मोदी ने जो आयुष्मान योजना है उसके बारे में भी आदिवासी वर्ग के बीच बताया कि आपको सरकार ने 5 लाख की गारंटी दी है, आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो आपके पास 5 लाख रुपए का कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं मिशन 2023 मिशन 2024 की भी एक बड़ी रणनीति है और यहाँ से बड़ा मैसेज दिया है पीएम मोदी ने। और ये लगातार पीएम मोदी के जितने भी आप देखेंगे 7 दिनों में मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है, तो ये दोनों ही दौरों में पीएम मोदी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक मूड में नजर आए। बिल्कुल शैलेंद्र, आम दिनों की बात तो ठीक है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो एक दोहरी भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी हमें नजर आते हैं, चाहे वो शासक की बात हो या राजनेता की बात हो। इस दौरे पर भी दो भूमिकाएं उनकी नजर आईं। शासक की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें,
अगर इस तौर से अगर उनको देखें तो एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया, खाट पंचायत में लोगों से बातचीत की, ये शासक की भूमिका थी। राजनेता की भूमिका में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर, और जो विपक्ष एकजुट हो रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, उस पर भी हमलावर नजर आए पीएम मोदी। देखिए, शासक की भूमिका में अगर हम पीएम मोदी को देखें तो ये बड़ा ही साफ है कि ये जो मिशन की आज शुरुआत की है, हमारे भारत में उन्होंने आज जो बताया भी कि 50% जो आदिवासी आबादी है उनके जो बच्चे होते हैं वो इस बीमारी से ठीक। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए शैलेंद्र, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर फैसला आया है। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी को दोषी ठहराया गया है। शासकीय कार्य में बाधा के मामले में दोषी ठहराए गए हैं जीतू पटवारी। राजगढ़ में कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर तोड़फोड़ का मामला है। जीतू पटवारी को 1 साल की सजा हुई है और 20,000 का जुर्माना भी। विधायक जीतू पटवारी को भोपाल कोर्ट से जमानत मिल गई। साल 2009 में शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप उन पर लगे हैं। बलवे समेत अन्य मामलों में केस दर्ज। संविधान, देश के कानून, देश का लोकतंत्र, देश के हर नागरिक के लिए सर माथे का ताज होता है। जो कोर्ट ने निर्णय सुनाया उसका मैं सम्मान करता हूं और कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, संविधान को मानने वाले एक एक नागरिक। कॉमन सिविल कोर्ट पर भोपाल में पीएम मोदी के बयान के बाद बहस छिड़ गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने देश में यूसीसी का समर्थन किया, जबकि कमलनाथ यूसीसी पर बोलने से बचते हुए दिखे। देश में कॉमन सिविल कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार तैयारी कर रही है, जहां विभिन्न राजनीतिक दल इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में धर्म गुरुओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय देनी शुरू कर दी है। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने इसका समर्थन करते हुए इसे देश हित में बताया है। कॉमन सिविल कोड जो लेकर आ रहे हैं एक देश का एक कानून के अंतर्गत, तो हमारा तो यही कहना है कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान देगी तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम सब की एक जाजम पर बैठ सकेंगे, हम सब एक कालीन पर बैठ सकेंगे। वहीं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ यूसीसी पर कन्नी काटते दिखे। कमलनाथ ने कहा कि इस पर अभी बोलना जल्दबाजी होगी। ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, हमें मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज को भी सुरक्षित रखना है, इसमें कैसा आएगा, जब ये आ जाएगा तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी ये प्री मैच्योर है कि जो चीज आई नहीं है हम हवा में बात कर रहे हैं। यूसीसी पर कई दलों ने अपनी राय रखी है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रही। माना यह जा रहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस संभल कर बयान दे रही है। भोपाल में कमलनाथ ने कांग्रेस का पोस्टर लॉन्च किया। खुशहाली लाने वाली कांग्रेस है आने वाली। पोस्टर लॉन्च करने के बाद कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने बीजेपी पर दुष्प्रचार के आरोप लगाए हैं। आज आम जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ की आलोचना करो। अब कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने मेरे को उंगली नहीं उठाई। मैं केंद्र मंत्री रहा, मैं मुख्यमंत्री रहा, 18 साल ये रहे, कुछ इंक्वायरी करते। एमपी में 3 जगहों से छेड़छाड़ की खबरें आई हैं। छतरपुर में मनचले ने राह चलती लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो वहीं शिवपुरी और सतना के चित्रकूट में छेड़छाड़ के आरोपी को लोगों ने सबक सिखाया। छतरपुर में एक मनचले ने सरेराह गंदी करतूत की, लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक पर बैठा एक लड़का सड़क पर चलती लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, फिर एक तस्वीर में लड़की भागते हुए दिख रही है और उसके पीछे लड़का दिखता है, वो फिर छेड़ता है। तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
नरवर थाना इलाके के वरखाड़ी गांव में लोगों ने आरोपी के चेहरे पर कालिख ओती फिर सड़क पर जुलूस निकाला, बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं बीच सड़क पर एक युवक की पिटाई हो रही है, कई लोग मिलकर इसे पीट रहे हैं। तस्वीरें सतना के चित्रकूट की हैं। पीट रहे युवक पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं और इसे लेकर 6 से ज्यादा लोगों ने बीच सड़क पर खबर ली। अब आपको भयंकर धमाके की एक तस्वीर दिखाते हैं। ग्वालियर के डबरा में कार में एलपीजी गैस रिफिलिंग के दौरान कार में आग लग गई, जोरदार ब्लास्ट हुआ। पिछोर तिराहे रोड पर हनुमान मंदिर के सामने की घटना है। बताया जा रहा है कि गैस रिफिलिंग के दौरान टैंक में ज्यादा गैस भरने से आग लग गई। आग लगने के बाद वाहन चालक और कारोबारी फरार हो गए, जबकि धमाके से गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। देखिए तस्वीरें, जबरदस्त ब्लास्ट होता है और भीषण आग के लपटे आसमान में उठती हुई आपको नजर आएंगे। उज्जैन से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक स्ट्रीट डॉग को नदी में फेंकता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो के आधार पर पीपल ऑफ एनिमल इंदौर नाम की संस्था ने उज्जैन पहुंचकर नीलगंगा थाने में युवक पर केस दर्ज करवा दिया। इधर युवक को जैसे ही एफआईआर दर्ज होने का पता चला, उसने सोशल मीडिया से अपना वीडियो हटा लिया और फिर युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर माफी मांगकर सफाई दी। अभी यह जिंदा है और जो वीडियो डाली थी मैंने, ये कुत्ते की पालतू है और आप जो भैया को ठेस पहुंची है उसमें माफी मांगता हूँ। ये कुत्ते पालतू है, ये मेरे कुत्ते पालतू है और तालाब रहती हमारे ये आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। विपक्ष पर पीएम मोदी का हमला, कहा विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं। पेट्रोल में गरजे पीएम मोदी, कहा कॉनिक्स की गारंटी मतलब नियत में खोट। पीएम मोदी के विपक्ष पर बयान पर पलटवार, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बोले, जिस परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं उसने दी है कुर्बानी, कांग्रेस को किसी पार्टी की गारंटी की जरूरत नहीं। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी दोषी करार, एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में दोषी करार, 1 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना भी लगा। यूसीसी पर बोले कमलनाथ, यूसीसी पर बयान देना होगी जल्दबाजी, हमें तो आदिवासियों की भी चिंता करनी है, तमाम वर्गों की चिंता करनी है। खुशहाली लाने वाली है कांग्रेस का पोस्टर जारी, कमलनाथ ने जारी किया पोस्टर, कहा कमलनाथ भ्रष्ट है एक सबूत दिखा दें। कॉमन सिविल कोड को लेकर कथा वाचक प्रदीप मिश्रा की आई प्रतिक्रिया, कहा देश हित में है कॉमन सिविल कोड, देश के लिए कॉमन सिविल कोड जरूरी। श्योपुर में बीजेपी विधायक और पार्टी जिला उपाध्यक्ष आपस में भरे, जिला उपाध्यक्ष का विधायक पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप, विधायक निधि की राशि को कांग्रेस नेता रामनिवास रावत के लोगों के फायदे के लिए खर्च करने का आरोप। उज्जैन में युवक की बेरहमी, स्ट्रीट डॉग को नदी में फेंका, पीपल फॉर एनिमल ने दर्ज कराई रिपोर्ट। मुरैना में दो युवकों के बीच हुई जमकर मारपीट, काफी देर तक एक दूसरे से भिड़े रहे दोनों युवक, वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में डबरा में कार में एलपीजी गैस रिफिलिंग के दौरान प्लास्टिक गैस रिफिलिंग के दौरान टैंक में ज्यादा गैस भरने से लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस विधायकों की सीटों पर मतदाता घटे, बीजेपी के विधायकों की सीटों पर पुरुष के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ना संदेह। रतलाम रिटायर्ड रेल कर्मी ने की पत्नी की हत्या, 62 वर्षीय पत्नी पर चाकू से किया वार, गुटखे के रुपए नहीं देने पर पत्नी पर चाकू से किया वार। छतरपुर में सोशल मीडिया पर मंचले द्वारा लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल, लड़की भागकर छुड़ाई मंचले से अपना पीछा, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में पुलिस। भोपाल में युवक की सरेराह डंडे से पिटाई, शराब के पैसे को लेकर विवाद के बाद पिटाई, पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। शिवपुरी में वरखारी में गांव वालों ने मनचले के मुंह पर पोती कालिख, चप्पलों की माला पहनाकर निकाला जुलूस, चोरी और छेड़खानी का आरोप।
मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश जारी, 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी। नमस्कार।